प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने दो बहुत महत्वपूर्ण अंतर डिस्कस किए थे प्यूरिन पिरिमिडिन्स में और न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड्स में। आज हम डिस्कस करते हैं जो दो हमारे न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं डीएनए और आरएनए, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूक्लिक एसिड्स हैं, सभी जीवों में पाए जाते हैं, उनमें अंतर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे डीएनए में और आरएनए में अंतर। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल। नाम से ही काफी सारा डिफरेंस हो जाता है, बच्चे यदि समझ के लिखेंगे तो दो अंतर तो इसी में आ जाते हैं। आगे मैं बताता हूं आपको किस तरह से आ जाते हैं। डीएनए ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बने होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बने होते हैं। हालांकि राइबो, ध्यान रखने की बात है, क्या डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बने होते हैं जबकि आरएनए पॉलीराइबोटाइड श्रृंखला से बने होते हैं। यानी डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहा गया है और जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं उन्हें राइबोटाइड्स कहा गया है। तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बने हैं और आरएनए पॉलीराइबोटाइड श्रृंखलाओं से बने होते हैं। डीएनए में जो चार नाइट्रोजनस अक्षर है, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है, यानी थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इनमें शर्करा किन में? डीएनए में शर्करा डीऑक्सीराइबोज होती है, चूंकि नाम ही से आधार पर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो शर्करा डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि डीएनए स्वयं द्विगुणित होता है, अर्थात सेल्फ डुप्लीकेशन की क्षमता रखता है, जबकि आरएनए जो है वो डीएनए के अनुलेखन द्वारा बनता है, डीएनए के डुप्लीकेशन से बनता है। और पांचवा और अंतिम बिंदु है, डीएनए में यह 5x174 कोलीफेज वायरस S13 ई कोलीफेज वायरस में केवल एक सूत्री डीएनए पाया जाता है, बाकी सभी में द्वि सूत्री या डबल हेलिकल डीएनए पाया जाता है। जबकि आरएनए जो रियो वायरस है, वाउंड ट्यूमर्स है, वायरस है, उनमें दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है, बाकी सब में सिंगल होता है। देखिए एक्सेप्शंस भी अलग हैं, यानी इनमें तो केवल कुछ में डीएनए केवल कुछ में सिंगल होता है जबकि सब में डबल होता है, आरएनए जबकि कुछ में डबल होता है जबकि सब में सिंगल होता है। तो उनके नाम बताए गए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, कई बार एक नंबर में भी आते हैं। किसी सिंगल स्टैंड डीएनए जीव का नाम लिखिए तो उसमें आपका पोली 5x174 कोलीफेज वायरस, S13 वायरस, ई कोलीफेज वायरस, ये तीन इस तरह के हैं जिनमें डीएनए सिंगल सूत्र पाया जाता है। और दूसरी तरफ रियो वायरस और वाउंड ट्यूमर वायरस, ये दो प्रकार के वायरस हैं जिनमें आरएनए जो है वो दो या डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का पाया जाता है, बाकी सब में सिंगल पाया जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण अंतर था डीएनए और आरएनए का इसी सीरीज में जो पिछली डाली गई थी उसी में। तो आप इसको करेंगे, टू द पॉइंट है बिल्कुल, जितने बिंदु हैं उतने आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से तीन नंबर आपके 100% आएंगे। आप केवल टू द पॉइंट लिखें, वीडियो देखते रहें, चैनल के साथ बने रहें, और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स में शो कर सकते हैं, हम उसको आपकी समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।